हाँ जी बेटा, हुण करन जा रहे हैं आपां नेक्स्ट 15th सम। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान दे नाल रीड करनी बेटा। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक कोई स्ट्रेट सीधा जा रहा हाईवे जिहड़ा टावर तक पहुँच रहा है, सड़क है एक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑबजर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। हुण देखो, फस्ट ऑफ ऑल तो ये कोई भी जिहड़ा स्ट्रेट हाईवे हैगा आ, ठीक है, ये लीड कर रहा कित तक पहुँच रहा, एक टावर तक। मान लो ये टावर है, हुण इस टावर के उपर एक इंसान खड़ा आ, एक आदमी खड़ा आ जिहड़ा की कर रहा वा। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑबजर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रैशन। एंगल ऑफ डिप्रैशन आ रहा, यानी कि साडा हॉरीजोंटल लैवल हो जूगा, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रैशन किन्ना आ रहा, उहदा 30 डिग्री, यानी कि एंगल साढ़े को किन्ना आ गया 30 डिग्री। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जिहड़ी की आ मतलब जिहड़ी कार आ वो इत्थों कित्थे जा रही है, टावर वल जा रही है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन टू से बेटा कि उहदी स्पीड जिहड़ी आ वो चेंज नहीं हो रही, फिक्स है स्पीड, उसी स्पीड दे नाल गड्डी वो चला रहा, ना तो हौली कर रहा उस तो ना ही तेज। 6 सैकेंड्स लेटर, 6 सैकेंड्स बाद की हुंदा, मान लो गड्डी इत्थे सीगी तो 6 सैकेंड बाद गड्डी जिहड़ी आ इत्थे पहुँच जाती है। 6 सैकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रैशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60। तो 6 सैकेंड्स बाद की मिलता कि वो जो एंगल ऑफ डिप्रैशन सीगा ये हॉरीजोंटल लैवल तो किन्ना मिलिया उन्होंने 60 डिग्री, राइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, असी निकालना हूँ इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक, यानी टावर तक पहुँचने उन्होंने किन्ना जो टाइम आ लगता है। सो सब तो पहला आप नेम दें ए बी सी ते डी, आपां नूं इन्ना पता कि जिहड़ा डिस्टेंस कवर, डी सी दा डिस्टेंस कवर करन लई उहनूं किन्ने लगदे आ 6 सैकेंड्स, ठीक है। बट उस तो पहला सानूं एंगल्स निकालने पैणे। हुण इह साडा हॉरीजोंटल लैवल आ रहा ना, तो आपां नूं पता है कि असीं पहले भी सम कर चुके हैं कि ये दोनों पैरलर लाइनस ने, तो ये की आ रही ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये भी की आऊगा 30 डिग्री, तो दूसरा साडा एंगल की आ गया 60 डिग्री, राइट। तो हुण फस्ट ऑफ ऑल जिहड़ी जिहड़ी चीज़ गिवन है उहनूं आपां मान लैंदे आ। गिवन की है साडे कोल ए बी, ए बी की है हाइट ऑफ टावर, ये भी आपां नूं नहीं पता, कुछ भी नहीं दिता गया हैगा, होर कोई डिस्टेंस नहीं दिता गया। तो डी सी भी की है डिस्टेंस आ, तो एंगल डी आपां नूं गिवन है 30 डिग्री, और एंगल सी आपां नूं गिवन है 60 डिग्री। निकालना भी की है, आपां ने टाइम निकालना कि जिहड़ा बी सी डिस्टेंस कवर करन नूं किन्ना टाइम लग्या। हुण आपां इत्थे लिख लैंदे टाइम टेकन by car to cover the distance DC, DC distance cover करने लिए कितना time लग गया उन्हें 6 सैकेंड्स, तो बी सी किन्ना टाइम लगेगा ये आपने निकालना है। सो सब तो पहले बेटा एक फॉर्मूला तुम पढ़ते आने छोटिया क्लासेस तो ही कि डिस्टेंस केदे इक्वल होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, राइट ना। बिकॉज सानू असर अगर असी फॉर्मूला लगाना, सानू डिस्टेंस चाहिए जां डी सी चाहिए जां बी सी चाहिए, एक वैल्यू चाहिए है। हुण देखो डी सी डिस्टेंस आ गया, ठीक है, स्पीड कितनी आ पता नहीं, आपां नूं स्पीड यूनिफॉर्म है मतलब मान लैने आ। लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स मीटर पर सैकेंड मान लैने आपां, बिकॉज पर सैकेंड के हिसाब नाल चल रहा, स्पीड आ गई एक्स, तो टाइम कितना लग रहा उहनूं 6 सैकेंड, आपां इत्थे पर सैकेंड ले लिया, यानी डी सी की वैल्यू आ गई साडे कोल 6 एक्स, राइट। तो इस तरह ही आप इधर बी सी का फॉर्मूला लगा लवेंगे, डिस्टेंस की आ रहा साढ़े को बी सी, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी, एक्स ही रहेगी। हुण टाइम कितना लगेगा ये आपां नूं नहीं पता, सो टी मान लैने टाइम नूं, ठीक है। सो बी सी की वैल्यू आ गई साढ़े को एक्स टी, राइट। हुण आपां सिंपल जिवें ट्रीएंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सब तो पहला ट्रीएंगल ले लैने ए सी बी, इन ट्रीएंगल ए सी बी, राइट। हुण परपेंडिकुलर तो निकालना ही नहीं, बेसी निकालना है, सो दैट मीनस टैन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ रहा साढ़े को ए बी, तो बेस आ रहा साढ़े को बी सी, राइट। टैन 60 की वैल्यू √3, राइट। ए बी आ गया परपेंडिकुलर, बी सी अपना वैल्यू निकाल चुके हैं आप, आ गया साढ़े को एक्स टी। हुण ए बी की वैल्यू की आ गई साढ़े को √3 इंटू एक्स टी, ठीक है, यानी कि टी की वैल्यू जी आपने वह निकालनी है, इतने मान ही लें। लैट टाइम इज इक्वल्स टू टी टू कवर द डिस्टेंस कि बी सी, लिख लियो प्रॉपर इतने, ठीक है राजे, टी सैकेंड्स। हूँ आप दूसरी ट्रीएंगल लैके चलते हैं, दूसरी ट्रीएंगल आ गई है अपने कोल ट्रीएंगल ए डी बी,
ठीक है बेटा, एंगल किन्ने डिग्री आ रहा है अंदर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, तो बेस की आ जूगा साडा डी बी, राइट। टैन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, ए बी आपां नूं नहीं पता बट डी बी देखो दो चीज़ों मिला के बन रहा डी सी प्लस बी सी, राइट। हूँ डी सी की जगह पर डी सी की वैल्यू तो बी सी की जगह पर बी सी की वैल्यू, ए बी एज इट रह गया साढ़े को, डी सी की वैल्यू आई है साढ़े को 6x, तो बी सी की वैल्यू आई अपने को एक्स टी, राइट। तो ए बी की वैल्यू आप निकाल लें, ए बी √3 इज इक्वल टू आ गया साढ़े को एक्स टी 6x प्लस की आ गया एक्स टी। हूँ ए बी की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं फ्रॉम 1, ए बी की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देने, ए बी की जगह पर लिख देने √3 xt इंटू की आ रहा है साढ़े को √3 इक्वल आ गया साढ़े को 6x प्लस एक्स टी। √3 नू √3 ना मल्टीप्लाई करांगे आ जूगा साढ़े को 3xt, इधर की आ रहा है साढ़े को 6x और xt। सब तो पहले xt नू इधर ले आने, 3 - 1 की आ गया 2 times xt इज इक्वल टू की आ गया 6x। असी टी की वैल्यू निकालनी यानी कि टाइम की वैल्यू निकालनी है, कैंसल करांगे की आ गया 3, यानी कि टाइम आ गया साढ़े को 3 seconds, यानी कि बी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग्या 3 seconds। इतने प्रॉपरली लिख लेना ना टाइम टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस बी सी दैट इज़ टी सैकेंड्स, तो यही टी आपने इतने निकाल दिता। ओके बेटा।